हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू द वीडियो। गाइस अभी बजे हैं 10:15, और यार देखो अभी आज जैसे ही मार्केट खुला है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी और ओवरऑल अपना पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट आज रेड है। देखो यदि अपन निफ्टी की बात करें तो अभी निफ्टी 7-8 पॉइंट नीचे चल रहा है और बैंक निफ्टी 10-12 पॉइंट ऑन एवरेज है, दोनों कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। गाइज आपको ना एक स्पेशल चीज़ दिखानी है। देखो यहाँ पर अपन ने कल ट्रेड प्लान किए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया था। यदि अपन ने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो देखो पिछले कई दिनों के कई घंटों से मार्केट एक रेंज में है। यहाँ पे यदि 30 अगस्त को भी देखोगे आप तो मार्केट में 51,430 का हाई बना था और 51,296 का लो बना था, ऑन एन एवरेज 120 पॉइंट का लो और हाई। इसके बाद दिन भर मार्केट इसी बीच कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद यदि अपन कल की बात करें, ये वाली कैंडल देखो कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और इसका हाई भी 51,600 तक गया था, लेकिन 1 घो में पूरी एक बेरिश कैंडल बनी और फिर इसी रेंज में मार्केट साइडवेज हो गया। हालांकि शाम के समय में करीब कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद 1:15 के बाद से अच्छी खासी रैली बनी थी, ग्रीन कैंडल आई थी, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और धीरे धीरे करके फिर से एसी जोन में आ गया। यानी कि गाइस कहने का मतलब ये है कि इस वाले एरिया में अब भी मार्केट बहुत टाइम तक साइडवेज रह सकता है, क्योंकि देखो गाइज ऊपर भी रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है, और यदि मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट करता भी है तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाता है और मार्केट फिर से इसी रेंज में आ करके और कंसोलिडेट करने लगता है। यदि अपन यहाँ पे आज की बात भी करें तो देखो मार्केट यहाँ देखो गाइज मार्केट का ये आज 1st 5 मिनट कैंडल है। यहाँ पे देखा जाए तो आज का डे हाई 51,500 था, लेकिन पहले ही 5 मिनट कैंडल बेरिश हो गई और जैसे ही अपने इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में आई मार्केट फिर से कंसोलिडेट होने लगा। गाइस ऐसे जोन में अभी मार्केट चल रहा है अपना निफ्टी बैंक निफ्टी, क्या रहा है ऐसी जगह हमें ट्रेड करना एक ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही रिस्क वाला हो सकता है। यहाँ पे ऐसे मार्केट में एक ऑप्शन बायर्स के बिल्कुल भी पैसे नहीं बनेंगे। हाँ यदि आप लोगों के पास बड़ा कैपिटल है तो आप लोग यहाँ पे 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के और 10-12 पॉइंट तक के टारगेट को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना टारगेट हमें मिल जाएगा। लेकिन यदि गाइज आप यदि इससे बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब देखो मानकर चलते हैं कि ये वाली कैंडल में अपने को यहाँ पे ये बिग बार कैंडल है, यहाँ पे अपने को 10:06 में एक कंफर्मेशन मिलती है कि यार यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। 10:06 यदि यहाँ पे अपन अभी 51,400 यानी एट द मनी का प्रीमियम देखें तो यहाँ पे देखो 10:06 में प्रीमियम अच्छा खासा इसमें भी स्पाइक आया था। यदि इस एरिया में अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो अपने को यहाँ पे करीब 181 रुपये के आसपास बैंक निफ्टी का ये वाला प्रीमियम मिलता। उसके बाद ये वाला प्रीमियम गया था 201 तक, यानी कि 20 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। यदि अपन यहाँ पे ये वाला टारगेट बुक कर लेते तो ठीक था, नहीं तो अपना 1 घो में अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि इतना प्रॉफिट देखने के बाद अपन या तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते या तो फिर ट्रेल करके ऊपर कर देते और पूरा का पूरा ब्रेकआउट अपन यहाँ पे जो लेवल ब्रेकआउट हुआ था ये वाला जोन पूरा ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है और यहाँ पे अपना हो सकता था कि अब स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। गाइस अभी अपन लाइव स्ट्रीम करने वाले थे लेकिन जैसे ही मार्केट खुला मैंने देखा यार कि मार्केट एक रेंज में है, तो मैंने कहा कि यार फर्स्ट हाफ में तो अपने को कोई अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, यदि सेकेंड हाफ में अपने को अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है तो हम ट्राई करेंगे कि यार लाइव आएँ और अच्छी ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करें। तो यार गाइज अभी आप बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना, अभी मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए देखो यहाँ पे भी निफ्टी का चार्ट भी देखो,
पहले 5 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट में बहुत बकवास कैंडल वहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बाय से दी कहीं भी अपनी पोजीशन बना ले, सबका स्टॉप लॉस जाना है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं। तो गाइज़ अभी आप लोग मार्केट से बिल्कुल दूर रहिए, यदि आपको ट्रेड लेना ही है तो छोटे रिस्क पे 10 पॉइंट 12 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अपने को बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता है। तो चलिए गाइस, यदि सेकंड हाफ में मार्केट में कोई डायरेक्शन अपने को दिखता है तो मिलते हैं अपन लाइव स्ट्रीम में। तो चलिए यार, राधे राधे गाइस।